हेलो। तो पिछले वीडियोस में आपने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने सेल का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी किया था। अब इस वीडियो में हम हर एक सेल के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप है कि हम सेल को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है सेल का शेप से। तो अगर सेल राउंड हो या बॉल की तरह हो तो उसे हम कॉकाई कहते हैं। अगर सेल रॉड शेप हो तो उसे हम बैसिलस कहते हैं। अगर सेल कॉमा शेप्ड हो तो हम उसे विब्रियोस कहते हैं। और अगर सेल स्पाइरल की तरह हो तो हम उसे स्पिरला कहते हैं। अब और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है अगर सेल मोटाइल है नॉन मोटाइल, उसका मीनिंग क्या है। मोटाइल मतलब अगर सेल अपने आप से मूव कर सकता है। दूसरा है कि अगर सेल फिलामेंटस है या नॉन फिलामेंटस। फिलामेंट का मतलब है अगर सेल थ्रेड के तरह हो, तो अगर सेल वो थ्रेड के तरह है तो उसे हम फिलामेंटस कहेंगे, या अगर नहीं है तो हम उसे नॉन फिलामेंटस कहेंगे। दूसरा है अगर सेल फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेसिस का आपको पता ही होगा कि प्लांट्स करती है, वो अपने लिए फूड इसके हिसाब से बनाती है। तो अगर बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर ये काबिलियत है तो उसे हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, नहीं तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे। और फाइनल क्या है, अगर सेल सिम्बायोटिक है या नॉन सिम्बायोटिक है। अब सिम्बायोसिस वो ये चीज़ है कि अगर अगर वो ऑर्गेनिज्म को फूड या पानी की ज़रूरत हो तो उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही रहना होगा, वो अपने आप से फूड या पानी नहीं बना सकता। तो इसलिए उस ऑर्गेनिज्म्स को हम सिम्बायोटिक कहते हैं। और जो अपने आप से रह सकते और अपने लिए खाना पानी सब लेके आया बना सकते हैं तो उसे हम नॉन सिम्बायोटिक कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे सेल प्रोकैरियोटिक सेल के पार्ट्स क्या है। सेल का आउटर मोस्ट पार्ट जो है उसका नाम है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के भी थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड है सेल वॉल, थर्ड है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हम सेल एनवेलप का पहला पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और वो मैक्रोमोलेक्यूल शुगर्स और प्रोटीन से बना है। उसका फंक्शन ये है कि वो सेल को एडिशन में काम करती है। इसका क्या मतलब है कि वो सेल्स को एक जगह पे स्टिक करके रख देती है। और कभी कभी कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स लाइम लेयर में मॉडिफाई हो जाती है। अभी इसका मतलब क्या है, आपने कभी देखा होगा आपके बाथरूम के फ्लोर काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बाथरूम का फ्लोर जो है वो बैक्टीरिया से कवर्ड है और वो बैक्टीरिया स्लाइम लेयर से कवर्ड है। तो आपकी मम्मी अगर बहुत कोशिश करेगी तब भी वो स्लिपरीनेस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्लाइम लेयर बैक्टीरिया को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है और उसे वहाँ पर बनाए रखने में हेल्प कर रही है। अभी एक और मॉडिफिकेशन है ग्लाइकोकैलिक्स का, वो है कैप्सूल। कैप्सूल का क्या काम है, वो सेल को एकदम हार्श एनवायरनमेंट्स में प्रोटेक्ट करती है। और अगर ये सेल किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा तो वो सेल का इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि कैप्सूल उसे प्रोटेक्ट कर रही है। अब हम सेल एनवेलप का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, द सेल वॉल इज प्रेजेंट बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स। उसका फंक्शंस क्या है, वो सेल को शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। और वो किससे बना है, यू बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। पेप्टिडोग्लाइकेन अमीनो एसिड्स और शुगर से बना है। और आपकी बैक्टीरिया में सेल वॉल स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। अब इसमें फ़र्क क्या है, दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है और उसका फंक्शंस भी सेम है, लेकिन इसका केमिकल स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकेन से अलग है। अब सेल वॉल का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कि अगर वो ग्राम स्टेन अंदर लेगा तो उसे हम अलग अलग सेल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम सेल को ग्राम स्टेन से क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं।
तो ग्राम सेनिंग को एक डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम उन्होंने इन्वेंट किया. नाउ व्हाट इज ग्राम स्टेन? ग्राम स्टेन इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन विच कंटेन्स क्रिस्टल वायलेट जो कि है एक स्टेन है. तो जो बैक्टीरिया ये स्टेन को सेल वॉल के अंदर लेती है उससे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो बैक्टीरिया के सेल वॉल स्टेन को अंदर नहीं लेते हम उसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं. तो अभी हम सेल एनवेलप के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? वो सेल का सबसे इनरमोस्ट कवरिंग है और वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना है. उसके फंक्शंस क्या है? वो एक बैरियर की तरह काम करता है और वो एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. अब वो ऑल्सो फोटोसिंथेसिस का एक साइट बनता है या जगह बनता है जहाँ पे ये कैरी आउट हो जाता है, और वो लिपिड्स और सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. उसका एक और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कि सेल मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स है जो बैक्टीरिया को अपने एनवायरनमेंट के केमिकल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है.